बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है अपनाना। अगर मैं उस हालत में हूँ और मुझे कोई रोज़ इस तरह की चीज़ें सुननी पड़े या उससे गुजरनी पड़े तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा उसको रोज़ सहते रहना। बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे लोग कहते हैं कि तुम बहुत ब्रेव हो और तुमने कदम उठाया है, बहुत करेजस डिसीजन है, और मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ शायद। लेकिन 25 साल हर रोज़ ऐसी बातें सुनकर, हर रोज़ वही जीवन जीकर, कहीं ना कहीं अब शायद मुझे आदत हो गई। 13-14 साल की उम्र करीब मैं पापा को बताया था, तब उन्होंने कहा था कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे तुम एक लड़का एक लड़की की तरह कैसे महसूस कर सकता है। मुझे कभी कभी लगता है कि मुझसे ज़्यादा दर्द शायद उनका है, क्योंकि मुझे हमेशा से पता था कि मैं लड़की हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक लड़की के रूप में देखा और पाला और उसी रूप में मुझसे प्यार किया है। अब उनके लिए एक नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करना और उसे इतना ही प्यार देना शायद उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं सच में कौन सा पल था, वो कब बताया था, कैसे बताया था? काफ़ी ड्रामेटिक सिचुएशन थी, क्योंकि मेरे स्कूल में कुछ काउंसलर्स आए थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उन दिनों, क्योंकि 13-14 साल की उम्र थी, टीनेज की बिगिनिंग थी। तो मैंने चुपके से मैं उन काउंसलर्स के पास गई थी बिना घर पे बताए। मैं घर पे झूठ बोल के गई थी कि एक दोस्त के यहाँ जा रही हूँ, और जब लौटी तो पता चला कि उस दोस्त ने पीछे से फोन किया। तो पापा को पता चला कि मैंने झूठ बोला और कहीं और गई। उस दिन फिर शाम को घर के छत पे बैठकर 2 घंटे मैंने पापा से पूरी दिल की बात शेयर की, और उन्होंने ये कहा, जो उन्होंने कहा वो सही है। उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं समझ सकती। ठीक, गुजर गई आगे की ज़िंदगी, अब क्या गज़ल, आगे क्या सोचा है? सेक्स चेंज ऑपरेशन मैं 2000 में आप कराएंगे भी आगे, यानी कि दिल करता है कभी अब बॉयफ्रेंड हो कोई, हस्बैंड हो, शादी हो? आई थिंक अगर आप ये सवाल किसी भी लड़की से पूछेंगे तो आपको पता है क्या जवाब मिलेगा। आई एम जस्ट अनदर गर्ल। सो जवाब वही है जैसे ओल्गा ने कहा, जैसे सिल्वी ने कहा, एक कंपेनियन हो तो अच्छा लगेगा। शाम को घर आने के बाद अगर बात करने के लिए कोई हो, दिन कैसा बीता ये बताने के लिए और सुनने के लिए कोई हो, तो लाइफ विल बी गुड। जो भी ट्रांसेक्शुअल लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो अभी तक अपना वो पहला कदम नहीं ले पाए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि वो इस बात को माने, इस बात का एहसास करें कि उन्हें भी हक है कि वो अपनी खुशी की तरफ कदम उठाएं, उन्हें भी हक है कि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें, और उन्हें भी हक है कि वो खुशी को चुनें, उनकी खुशी उनका हक है। जी, अब आपने तो मोटे तौर पे फैसला ले लिया है ज़िंदगी का, आपको आगे पता है, आपके पास एक नौकरी भी है, अच्छे कोलीग्स भी हैं जो कि आपको एक्सेप्ट करते हैं, अपनाते हैं। ओल्गा, आपको भी अब नौकरी में ऐसी कोई परेशानी नहीं है या फ्यूचर के बारे में कोई चिंता नहीं है? आपने फ्यूचर एक्सेप्ट कर लिया है, कोई साथी मिलता है तो ठीक है, नहीं तो भगवान। ठीक है, मैं जी ऐसे ही मैं सोचती हूँ, क्योंकि इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग लाइफ हम ऐसे ही होनी चाहिए ज़िंदगी, ऐसे हम समझने से कैसे भी जिंदगी है इसको एक्सेप्ट करना अच्छा है मेरे ख्याल से। इसमें से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होने से हमको फुलफिल नहीं होने तो हमको स्ट्रेस होता है, नहीं तो कैसे ज़िंदगी आ रही है ऐसे एक्सेप्ट करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन सारांश के साथ अभी कुछ एक अलग सिचुएशन है। सारांश, ये चिंता है अभी क्योंकि वो स्टेज है जब करियर का सोचना, आगे फ्यूचर का सोचना, जॉब का सोचना है। इस बारे में तुम्हें लगता है कि नौकरी में कोई मुश्किल होगी तुम्हें, या आगे का क्या सोचा है अभी इसकी बात करने का? जी हाँ, मुझे लगता है शायद थोड़ी बहुत मुश्किल आए, तभी मैं अपने पुरानी आइडेंटिटी के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करना चाहता हूँ पहले, उसके बाद ही अपनी नई आइडेंटिटी के साथ किसी जॉब में पूरे तरह के तरीके के साथ जा सकता हूँ। लेकिन अभी की बात अलग है, अभी ओल्गा आप एक औरत है, मुकम्मल औरत है, आप एक लड़की की तरह हमेशा से महसूस करती थी और उस प्रोसेस से भी आप गुजरेंगी, लेकिन पहले आपकी अगर मैं पूछूं सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या थी, क्या हमेशा से वी ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ बॉय? यस, इनफैक्ट वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस का कारण था, क्योंकि वो अट्रैक्शन था लेकिन मुझे पता था कि उसका कोई रिजल्ट नहीं है, कोई उसमें कोई भी सक्सेस नहीं।